हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों इस स्टॉक में आज के ट्रेडिंग में रफली 1% के अराउंड में रैली देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली 2000 के रेंज में था, वहाँ से आप लोग के वीडियो में अगर डिस्कस किया था दोस्तों, स्टॉक जैकपॉट है, फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा। और दोस्तों 2000 का स्टॉक हमें 5800 के आसपास में देखने को मिला और वहाँ से इंटायर आईटी में गिरावट हुआ था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी रफली 50% का अराउंड में गिरावट हुआ था, जिसकी वजह से इसका प्राइस 3500 के आसपास में आते हुए देखने को मिला। और दोस्तों वहां से इंटायर आईटी में रिकवरी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया और दोस्तों इसका प्राइस हमें 6800 के आसपास में जाते हुए देखने को मिला और वहाँ से आजकल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से सारा इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, पिछली 1 month की बात करेंगे तो यहाँ पे 1% के आसपास का रैली का फिगर है, जो कि पिछले 6 month की बात करिए तो पिछले 6 month में अभी भी इस स्टॉक में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 41% के आसपास का मुनाफा का फिगर है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त है। और दोस्तों यहाँ पर पिछले 5 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 214% के आसपास का मुनाफा का फिगर में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस रफलिया में 5800 की रफलिया पे 6000 के आसपास में इसका प्राइस हमें देखने को मिला और दोस्तों वहाँ से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग गिरावट हुआ था, जिसकी वजह से इसका प्राइस यहाँ पे 3500 के निचले स्तर पर, यानी कि रफली 3000 के रेंज में इसका प्राइस आते हुए देखने को मिला, यानी कि 50% इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। फिर भी दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक में 50% गिरावट के बाद में इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका प्राइस यहाँ पर रफली देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 7000 के आसपास में हमें जाते हुए देखने को मिला था और वहाँ से थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर अगर रफली 6000 के रेंज में अगर खरीदारी किया होगा, वहाँ से दोस्तों इस स्टॉक ने 50% गिरावट दिखाया था तो रफली 3000 के आसपास में इसका प्राइस आते हुए देखने मिला तो रिटेल तो निकल गया होगा। अगर लेकिन जिसके पास पेशेंस होगा उसने जबरदस्त तरीके से इस स्टॉक में मुनाफा यहाँ पे लिया होगा, क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया है इस स्टॉक में। तो दोस्तों यही होता है फंडामेंटल का निशानी, अगर फंडामेंटल स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलता है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, या तो अगर हायर प्राइस पे किसने खरीदारी किया होगा तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होगा तो उसको काफी शानदार मुनाफा देखने को मिला होगा। लेकिन अगर जिसने भी यहाँ पे दोस्तों लॉस में, यानी कि देखा होगा कि इस स्टॉक में ऑलरेडी 50% गिरावट हो चुका है तो यहाँ से और गिरावट होगा, उसने अगर बेच के निकला होगा तो उसको अच्छा खासा लॉस बुक किया होगा। लेकिन दोस्तों हमेशा फंडामेंटल स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए विजन होना चाहिए, जिसके बाद में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होता है। और दोस्तों इस स्टॉक यहाँ पे काफी शानदार तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट होने के बाद में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया और काफ़ी और फ्यूचर में भी इसमें स्ट्रॉन्ग हमें इसका प्राइस आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस है, हालांकि यहां से भी इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस यहाँ पर रफली 5000 के आसपास में आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगले 3 से 4 साल में इसका प्राइस हमें 10000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। यहाँ पे सबसे अधिक दिन की बात करेंगे इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे देख सकते हो 214% के आसपास का मुनाफा का फिगर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से कोफोर्ज लिमिटेड की रिगार्डिंग। यहाँ पर दोस्तों इसका रेवेन्यू ग्राफ देख सकते हो, इसका बिजनेस ग्राफ कितना शानदार है, जिसकी वजह से स्टॉक जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट ग्राफ की बात करेंगे तो इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें नेट प्रॉफिट ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों जिस तरीके से इसका बिजनेस ग्राफ है ठीक वैसा ही इसका नेट प्रॉफिट ग्राफ है, और दोस्तों इसका ईपीएस ग्राफ भी ठीक वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इसका रेवेन्यू एंड ईपीएस ग्राफ है ठीक वैसा ही इस स्टॉक का शेयर प्राइस भी आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस में 10000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि उससे पहले दोस्तों इस स्टॉक में आजकल हमें स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है फिलहाल इसका प्राइस 6200 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हो सकता है अगर इस स्टॉक में और हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले तो इसका प्राइस हमें रफली 5000 के रेंज में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो।
यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो रपलिया में 38,000 करोड़ से एबव का फिगर देखने को मिल रहा है। इसका 52 की हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 6,800 के आसपास का हाई है और दोस्तों वहां से इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इसका 52 की लो की बात करेंगे तो 3,500 के आसपास का फिगर है, जो कि इस स्टॉक का पीरियड की बात करेंगे तो 52 के आसपास का फिगर है। हालांकि इंडस्ट्री के पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली हमें 38 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों जो इसका प्राइस फिलहाल हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में यहाँ से भी थोड़ा बहुत हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे तो हमें देख सकते हो कितना जबरदस्त फिगर है और दोस्तों रिटर्न कैपिटल फिगर भी यहाँ पे काफी शानदार फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1% के आसपास का फिगर है, हालांकि इसका फेस वैल्यू रुपीज हमें इसका फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल जीरो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों फ्री कैश फ्लो की बात करें उससे पहले डेब्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.36 का फिगर है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे डेब्ट का फिगर कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत डेब्ट का फिगर है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो रफली यहाँ पे 800 करोड़ का फिगर जबरदस्त है फ्री कैश फ्लो का फिगर। हालांकि इसका पीईजी रेशियो भी थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है तो यहाँ से इस स्टॉक में और हमें थोड़ा सा करेक्शन का फिगर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर का सेल्स का फिगर देख सकते हो, काफी शानदार सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सितंबर क्वार्टर। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे जबरदस्त इनक्रीमेंट के साथ में फिगर में देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर। हालांकि दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कितना जबरदस्त तरीके से नेट प्रॉफिट का फिगर शो किया है। और दोस्तों इसका ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसका ईयरली सेल्स का फिगर एवरी ईयर का काफी शानदार फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी एवरी ईयर का काफी जबरदस्त है। हालांकि दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे एवरी ईयर का नेट प्रॉफिट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक जबरदस्त है, इसका बिजनेस ग्रोथ काफी शानदार है। यहाँ पे इसका सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल का 24% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ये भी पिछले 3 साल का 18% का है। हालांकि स्टॉक प्राइस सीजर की बात करेंगे दोस्तों तो पिछले 3 साल में 38% का सीजर का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। हालांकि रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो ये भी काफी शानदार फिगर है। तो स्टॉक जबरदस्त है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। अगर इस स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है तो हमें इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों रिजर्व की बात करेंगे तो एवरी ईयर कंपनी जबरदस्त इनक्रीमेंट के साथ में अभी तक रिजर्व का फिगर भी स्टॉक किया है, जो कि आप लोग के सामने में। हालांकि ब्रोइंस की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत डेप्ट का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका फिक्स एसेट का फिगर तो ये भी एवरी ईयर का जबरदस्त इनक्रीमेंट के साथ फिगर देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर के लिए अच्छा खासा है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल जीरो फिगर है, जो कि एफआई का होल्डिंग जबरदस्त है। और दोस्तों डीआई का होल्डिंग यहाँ पे 55% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि रिटेल के पास ओनली 11% के आसपास का होल्डिंग है। तो यहाँ पे सारा का सारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करके रखा हुआ है। एफआई एंड डीआई जबरदस्त तरीके से बुलिश है। और दोस्तों रिटेल का होल्डिंग ओनली 11% के निचले स्तर का है, जो कि दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल जीरो फिगर है। तो यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के पास स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 10,000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 5,000 के रेंज में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 10,000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो, स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों सारा का सारा यहाँ पे होल्डिंग हमें एफआई एंड डीआई का देखने को मिल रहा है 11% के निचले स्तर का, या फिर रिटेल का होल्डिंग है, जो कि दोस्तों प्रमोटर का बिल्कुल जीरो फिगर हमें देखने को मिला। तो स्टॉक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के पास है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों मेरे को वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बाय।